भंडार टीवी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मुफ्त है। सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकॉन को दबाएं हमारी नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, भंडार टीवी के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको अनचाहे बालों को हटाने के लिए एक बड़ा ही बेहतरीन नुस्खा इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। आखिरी तक मैं इसलिए बोल रहा हूं दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो के आखिरी में मैं आपको एक ऐसी चीज के बारे में बताने जा रहा हूं जिसका इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो प्रोसेस थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन जो आपको असर और जो आपको इफेक्ट अपने बॉडी और अपने अनचाहे बालों में देखने को मिलेगा वो बड़ा ही कमाल का होगा। दोस्तों, ये जो चीज़ है बिल्कुल प्राकृतिक रहेगी, आप जो है उसका प्रयोग करके अपने अनचाहे बालों को हटा सकते हैं। आपका ज़्यादा समय नहीं लेता, लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपके कोई भी सुझाव या कोई भी रिक्वेस्ट है किसी वीडियो या किसी टॉपिक को लेकर के, तो आप जो है नीचे कमेंट करें, मुझे ज़रूर बताएं, मैं उस पर भी वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। तो चलिए आइए इसे वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भंडार टीवी में। आइए चलिए इसे वीडियो को शुरू करते हैं। यहां हम अभी 3 सामग्री का प्रयोग करने वाले हैं और एक एक जो सामग्री है उसकी मात्रा को आपको बड़ी ध्यान से सुनना होगा। और इस वीडियो के आखिरी में जैसा मैंने आपको बताया, मैं एक टिप बताने वाला हूं। तो चलिए अब फाइनली शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि जो आपके घर में चीनी पड़ी होती है, आपको 2 चम्मच चीनी ले लेना है। अब 2 चम्मच शक्कर लेने के बाद आपको जो है इसमें 2 चम्मच बिल्कुल बराबर मात्रा नींबू के रस की भी डालनी है। उसके बाद आपको जो है उसमें 10 चम्मच बराबर बिल्कुल उसी चम्मच का साइज लेकर के बिल्कुल 10 चम्मच आपको जो है पानी डाल देना है। इन तीनों चीजों को अच्छी तरीके से मिलाने के बाद आप जो है अपने चेहरे के जो भी अनचाहे बाल हैं आप उस पर लगाइए और आपको कम से कम लगा करके 1.5 से 1 घंटा तक लगे रहने देना होगा। ये चीज आप जो है रोजाना नहाने से पहले कर सकते हैं। और इसे लगा लेने के बाद आपको क्या करना होगा, अपने चेहरे में थोड़ा सा एलोवेरा जेल लगा करके कम से कम 15 से 20 मिनट आप रखेंगे और उसके बाद आप जो है नहा लेंगे। अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे, किनको और कब प्रयोग करना है। कैसे प्रयोग करना है ये तो मैंने आपको बता दिया, किनको प्रयोग करना है ये बता देता हूं। सिर्फ इसका प्रयोग वही लोग करेंगे जिन लोगों को ऐसे अनचाहे बालों की समस्या है। और कब प्रयोग करना ये मैंने आपको बता दिया, रोजाना नहाने से पहले आप प्रयोग करेंगे। अब चलिए बढ़ते हैं उस टिप की तरफ जिसके बारे में मैंने इस वीडियो की शुरुआत में आपको बोला था। तो आपको क्या करना होगा कि कच्चा पपीता लेकर के आपको उसका रस निकालना होगा। कच्चे पपीते के रस में दोस्तों कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं जो कि हमारे शरीर के अनचाहे बालों को हटाने के लिए बहुत ही अच्छा होता है। लेकिन यह बात आप बिल्कुल ध्यान से सुनिए कि सिर्फ अगर आप इसका 1 या 2 दिन या 5 दिन या हफ्ता भर प्रयोग करेंगे और आप बोलेंगे कि मेरा जो है अनचाहे बाल नहीं हट रहे, तो ये जो है सिर्फ 1 या 2 हफ्ते में असर नहीं दिखाता दोस्तों। कम से कम आपको जो है इसे लंबे टाइम के लिए लगभग 2 से 3 महीने तक प्रयोग करना होगा और ये जो है अंदरूनी तौर पर बिल्कुल अंदर से आपके जो है अनचाहे बालों को हटा देगा। ये बहुत ही इफेक्टिव है, आप जो है इसे 2 से 3 महीने तक करके देखिए, बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। इस वीडियो के नीचे मैंने एक कमेंट छोड़ा है, अगर आपके कोई भी सुझाव हो तो आप जो है नीचे जाके कमेंट करके जरूर बताएं। मिलता हूं आपसे दूसरे वीडियो में किसी और इस प्रकार के नए नुस्खे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।